मंत्री नरेंद्र मोदी दे वलों क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह दी जयंती ते उन्हां नूं श्रद्धांजलि दिंदे होए कहा कि वीरता ते बहादुरी दी उन्हां दी गाथा देशवासियां नूं जुगां जुगां तक प्रेरित करदी रहेगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मां भारती दे वीर सपूत शहीद भगत सिंह दी जयंती ते उन्हां नूं कोट कोट नमन। वीरता ते बहादुरी दीआं उन्हां दीआं गाथा देशवासियां नूं जुगां जुगां तक प्रेरित करदीआं रहणगीआं। चीन नाल तनाव समेत होर मुद्दियां नूं लै के मोदी सरकार ते निशाना विन्नण वाले ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल दे प्रधान अते हैदराबाद तो संसद मेंबर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते तंज कसिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे संयुक्त राष्ट्र दे विच दित्ते संबोधन नूं लै के ओवैसी ने सवाल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री दफ्तर नूं टैग करदे होए पुछिया कि तुहाडी हुकूमत 80,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगी। ऑस्ट्रेलिया के कोरोना वायरस हॉटस्पॉट विक्टोरिया राज के 3 महीने तो भी वध समय विच देश के दूजे सब तो वड्डे शहर मेलबोर्न के रूप विच सब तो घट नवे इन्फेक्शन के मामले दर्ज किए गए। इस दे नाल ही तालाबंदी पाबंदियों के विच होर ढील दी गई। मेलबोर्न विच पाबंदियों विच ढील देण नाल ज्यादातर बच्चे अक्तूबर के अद तो स्कूल वापस आउणगे अते 1,25,000 तो वध लोग कम्मां ते वापस परत सकणगे। पाबंदी होवेगी। उन्हें कहा कि जेकर कोई नियमों की उलंघना करता है तो उससे सख्त कार्रवाई होवेगी, भारी जुर्माने का भी सामना करना पवेगा। सिख्या विच सूचना अते संचार टेक्नोलॉजी दी वरतों संबंधी अध्यापकां नूं राष्ट्रीय अवार्ड देण लई अर्जियां प्राप्त करन वास्ते 15 अक्टूबर 2020 आखरी तरीक निर्धारित कीती गई है। इस दी जानकारी दिंदे होए इत्थे स्कूल सिख्या महकमे दे इक बुलारे ने दस्सिया कि इह राष्ट्रीय अवार्ड साल 2018 अते 19 लई दित्ते जाणगे अते इन्हां वास्ते अध्यापक ऑनलाइन अप्लाई कर सकदे ने। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने खेतीबाड़ी संबंधी कानूनों नूं लै के सरकार ते फिर निशाना साधिया। राहुल ने दोष लगाया कि किसानों की आवाज संसद अते बाहर दोनों जगह दबाई गई। उन्होंने राज्यसभा विच इन्हां बिलां नूं पास किए जाण दौरान हुए हंगामे नाल जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, खेतीबाड़ी संबंधी कानून साडे किसानों लई मौत दा फरमान ने, उन्हां दी आवाज संसद अते बाहर दोनों जगह दबाई गई। ऐथे इस गल दा सबूत है कि भारत विचो लोकतंत्र खत्म हो गया है। टीवी अते बॉलीवुड अदाकारा हमेशा ही अपनियां खूबसूरत अते होट तस्वीरां कारण सोशल मीडिया उते चर्चा दा विषय बनियां रहिंदियां ने। हाल ही दे विच वी मौनी राव ने अपने इंस्टाग्राम उते कुछ तस्वीरां सांझियां कीतियां जिन्हां विच उन्हां दा होट अंदाज देखण नूं मिल रिहा है। उन्हां दे प्रशंसकां वल्लों उन्हां दी काफी तारीफ कीती जा रही है। पंजाब दे प्रसिद्ध गायक अते अदाकार बब्बू मान दे पिंड खंट विच ग्राम पंचायत वल्लों नवे खेती आर्डिनेंसां दे विरुद्ध मता पास कर दिता गया। इन्हां संबंधी बकायदा मान ने अपने फेसबुक अकाउंट अते इंस्टाग्राम उते इस दी जानकारी दिती। सोशल मीडिया उते पोस्टां नूं सांझा करदिआं बब्बू मान ने लिखिया, ग्राम पंचायत पिंड खंट वल्लों काले कानून दे विरोध विच मता पास। राजस्थान के ऑलराउंडर राहुल तवेतिया ने बीते दिनी किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेडे गए मैच विच शानदार प्रदर्शन किया। तवेतिया जदों क्रीज से आए तो राजस्थान नू जीतने लई 70 स्कोर चाहिए सी। उन्होंने तेज गेंदबाज कोटरेल की एक ओवर विच 5 छक्के लगा के सारे समीकरणों नू बदल दिता। उथे राहुल की पारी तो बाद भारतीय सबका ऑलराउंडर युवराज सिंह का एक ट्वीट सोशल मीडिया उत्ते काफी वायरल हो रहा है।
ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਜੂ ਸੈਮਲਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਸੈਮਲਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧੋਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਭੜਕ ਗਏ।